गाइस मैं आज आप लोग को इस वीडियो के थ्रू दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक इंडियन और एक मसरी के साथ लड़ाई हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा, और वो लोग आपस में लड़ चुके हैं और बस शांत हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ। लेकिन वो लोग आपस में बहुत ही ज़्यादा बहस कर रहे हैं, तो चलिए आप लोग देखिए वहाँ पे। और वो लोग अरबी बोल रहे हैं और जो कि आपस में अरबी बोलकर लड़ रहे हैं। बहरहाल मारपीट तो हो चुकी है जो पहले होनी थी, तो चलिए आप लोग देखिए वहाँ पे क्या हुआ था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये इंडिया का बंदा है जो ड्रेस पहना हुआ है, दूसरा वाला ब्लू कलर का वो मसरी है। तो बहरहाल दोनों आपस में लड़ चुके हैं और मैं थोड़ा लेट आया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं वीडियो थोड़ा चुपके से बना लिया। उनको पता नहीं, अगर मैं वीडियो बनाता तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाती यहाँ कंपनी में। वो लोग सोचते हैं कि भाई किस लिए वीडियो बना रहा है, तो मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती। तो बहरहाल मैंने वर्टिकल में वीडियो बनाई है और मैंने वीडियो को थोड़ा सेटिंग करके अच्छे से, और देख सकते हो, और ये लोग आपस लड़ रहे हैं और बातचीत थोड़ा गंदी वाली बात कर रहे हैं, जैसे गाली दे रहे हैं अरबी में। मैं आपको बता देता हूँ, गाली देते हैं अरबी में बहुत ही बुरी होती है, जो कि मैं अपनी वीडियो में नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो कम्युनिटी के खिलाफ, गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो बस मैं आपको दिखाता हूँ और आपस में क्या कर रहे हैं। نفرات بالعام خطا نص ساعه رسول سوى صور رسول البيت هو نص ساعه وقف بعدين واحد يستنى واحد دقيقه ما في ظلم ولا ما في ظلم كلام صح انا رايي ما في خوف ولا لا ايه معلوم انا سوى كلام ولا دخل بس في نفرات مصري يحب لا هذا مو زين انت مصري انت هندي هذا مو مضبوط और मैं आपको बता देता हूँ कि लड़ाई किस वजह से इन लोगों के बीच हुई। ये लोग काम करने गए थे, कल रात को आए हैं बहुत ही लेट, तो उसी वजह से यहाँ पे इन लोगों के बीच लड़ाई हो चुकी है। और जो लड़ाई हुई थी, एक ड्राइवर और एक लेबर के बीच में लड़ाई हुई थी, और वो लोग काम कर लेट इस वजह से आए क्योंकि काम ज़्यादा था, इस वजह से जहाँ पे आज बहस हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा। और मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैनेजर को अभी पता नहीं चला है, अगर ज़्यादा बात आगे बढ़ेगी तो अभी मैनेजर को पता चल जाएगा। अगर मैनेजर को पता चलेगा तो ये दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये लोग लड़ाई कर चुके हैं, और अगर लड़ाई करना यहाँ पे बहुत ही बुरी बात है, और यहाँ पे अलाउ नहीं लड़ाई पे, कंपनी वगैरह में आपको लड़ाई करने को है ही नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे लड़ाई करते हो कंपनी वगैरह में, तो आपको सीधा टर्मिनेट कर देंगे कंपनी वगैरह से। अगर आप लोग घर वगैरह में लड़ाई करते हो तो आपको तो और भी बुरा होगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी ख़राब है तो आपके खिलाफ जाएगा, केस कर देगा, और आप किधर के भी नहीं रहोगे। तो मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आइए, आप लोग पैसा कमाइए चुपचाप, अगर वो लोग कुछ बोले तो सुन लीजिए कि ओके भाई ओके सर, बस यही करिए और यहाँ पे आराम से पैसा कमाइए, और महीना का एंड आएगा आप लोग सैलरी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई करना बहुत ही सही बात है ही नहीं, क्योंकि लड़ाई हम लोग यहाँ पे नहीं, इंडिया में किधर भी लड़ाई करना सही नहीं है।